हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा जब हम एक स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तब हमारी एक कैटेगरी डिसाइड होती है। हमारी कोई भी कैटेगरी हो सकती है, कुकिंग रिलेटेड हो सकती है, एजुकेशन रिलेटेड हो सकती है, गेमिंग रिलेटेड हो सकती है, टेक कैटेगरी भी हो सकती है। वो आपके ऊपर होता है कि आप अपने चैनल के लिए कौन सी कैटेगरी डिसाइड करते हो। तो दोस्तों, जो हमारी कैटेगरी होती है उसी टॉपिक रिलेटेड हम अपने चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करते हैं। तो होता क्या है, अगर हमारी कोई कुकिंग तो दोस्तों अगर हमारा कुकिंग चैनल है तो हमारे चैनल पे वही ऑडियंस एक्टिव रहती है जिन्हें हमारा वीडियो पसंद हो और वही लोग हमें सब्सक्राइब करके रखते। लेकिन बीच में होता क्या है, अब हमें लगता है कि हमें अपने चैनल की कैटेगरी को चेंज कर देना चाहिए। तब हम अपने चैनल पे कुकिंग रिलेटेड वीडियो तो डालते ही थे, लेकिन बीच में हम अपने चैनल पे अदर टॉपिक रिलेटेड वीडियो डालना स्टार्ट कर। जो हमारी ऑडियंस है वो हमारी कुकिंग रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करती थी, हमारी अदर वीडियो देखना पसंद नहीं करती है। तो क्या होता है, जो हमारा चैनल है उसका व्यू डाउन होते जाता है और इम्प्रेशन भी डाउन होते जाता है, क्योंकि वो लोगों को कुकिंग वाली वीडियो पसंद है और हम अब अदर टॉपिक रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप कोई एक टॉपिक रिलेटेड वीडियो बना रहे हो तो आपको डेली उसी टॉपिक को लेकर चलना है, अपने कैटेगरी को चेंज नहीं करना है। अगर आपको अदर टॉपिक रिलेटेड वीडियो बनाना है तो आप अलग से दूसरा चैनल बना के उस पर अपलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना।